चलिए दोस्तों, कभी कभी घर में हमारे पास सब्जियां नहीं होती ज़्यादा, ऐसे में आप बना सकते हैं ये बेसन की कमाल की सब्जी। यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के ले रहा हूँ ताकि मैं अपनी सब्जी को बना सकूँ। थोड़ा थोड़ा पानी, इसमें पानी की छींटे मार के इसके एक दानेदार टेक्सचर में तैयार करूँगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और फिर इसको हाथ से इस तरह से हम मस लेंगे ताकि इसके दानेदार एक मिक्सचर तैयार कर सकें। ये देखिए, इस तरह से इसको मैं हाथों से मसल रहा हूँ। आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको दानेदार इसको बना लीजिए। ये देखिए, अच्छे से मैं इसको दानेदार बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा दानेदार, ये टेक्सचर पूरा तैयार है बेसन का। तो अब मैं इसको आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैंने सारी गुठलियों को तोड़ लिया है ताकि कहीं पर भी इसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ ना रहें। अगर बन भी जाए तो कोई बात नहीं, हम कढ़ाई में इसको तोड़ देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप छलनी में भी छान के इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें देसी घी को मैंने गर्म करके रख लिया है। आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। इसके साथ ही इसमें मैं सारा जो बेसन का हमने चूरा बनाया था ना, उसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप देखिए, बेसन का सारा चूरा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर कुछ गुठलियाँ भी हैं तो उसको हम अच्छे से यहाँ तोड़ लेंगे कढ़ाई के बीच में ही, क्योंकि बेसन को यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सेकना है, अच्छे से सेकना है, और साथ ही साथ करछी से उसको ब्रेक तोड़ते जाना है ताकि वो चूरा चूरा हो जाए। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, ये अपने आप ही चूरे में बदल जाएगा। आपको बस करछी से इसको तोड़ना है, अच्छे से इसको ब्रेक करते जाना है ताकि इसके बड़े बड़े जो गुच्छे हैं, लम्ब्स हैं, इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें। तो ये देखिए, मैं आपके सामने इसको अच्छे से यहाँ पे तोड़ रहा हूँ ताकि कोई भी इसमें बड़े बड़े लम्ब्स ना रह जाएं बेसन के। इसको हम 2 से 3 मिनट देसी घी में अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे लम्ब्स को तोड़ लिया है। इसको हम बाद में भी तोड़ सकते हैं, कंटिन्यूसली इसको प्रोसेस को करते रहेगा, चलाते रहेगा। बेसन हमारा जलना नहीं चाहिए, ऐसा भी ना हो कि इसको आप डाल के छोड़ दें, हमारा बेसन जल जाए। तो करछी को लगातार चलाते रहिए, इसको तोड़ते रहिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है। तो अब मैंने दूसरे एक यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया है। साथ में डाल रहा हूँ थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी हींग डाल रहा हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है, हमारे हाजमे के लिए। साथ ही डाल रहा हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ, और इसके साथ इसमें डालूंगा ये कटा हुआ मध्यम आकार का प्याज यानी कि अनियन, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसके साथ ही इसमें मैं बाकी की सामान डालूंगा, यानी कि यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है, पत्ता गोभी को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था। बेसन की कोई भी सब्जी अगर आप बनाते हैं, उसमें अगर प्याज और पत्ता गोभी को आप डालते हैं दोस्तों, बड़ा मीठा मीठा सा स्वाद आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसको हम अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन ब्राउन नहीं करना, लेकिन कच्चापन प्याज का चला जाए, उस तरह से हमने इसको भूनना है। थोड़ा सा इसमें अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ, साथ ही इसमें डालूंगा, तो अदरक के पेस्ट को भी मैं अच्छे से पहले भून लेता हूँ ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे प्याज अदरक हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा काश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पे 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रंग अच्छा आता है, तीखी नहीं रहती। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है यानी कि टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। इसमें डाल रहा हूँ कटा हुआ धनिया, बहुत ज़रूरी है, अच्छी बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर आता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक मध्यम आकार का टमाटर लिया था जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है ताकि जब तक वो सॉफ्ट हो जाए, बढ़िया ढंग से टमाटर का कच्चापन दूर करेंगे और सबको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर देख सकते हैं हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब जो बेसन का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना, उसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, भुने हुए बेसन को हम इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसन की 2 बार सिकाई हो जाती है, एक बार पहले जब हम कढ़ाई में इसको भूनते हैं, दोबारा से इसको प्याज टमाटर की ग्रेवी में हम दोबारा से भूनेंगे, 2 बार पकने से ही अच्छे से पक जाएगा। दोस्तों, इस रेसिपी में आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा बेसन बहुत अच्छे से पक जाए, क्योंकि बेसन अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो आपके पेट में दर्द पैदा कर सकता है। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए बेसन में सारा स्वाद आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगा एक गर्म पानी ही डालेगा दोस्तों। गर्म पानी डालने से सारे फ्लेवर्स का जो टेस्ट है वो बड़ा इन्हेंस हो जाता है, उभर कर आता है, और साथ ही साथ हमारी सब्जी जल्दी पकती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। किसी भी सब्जी में कभी भी ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा, देखिएगा मसाले का स्वाद कितना अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने
गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया। इसको मैं एक दो मिनट के लिए और पकाऊंगा ताकि ये अच्छे से भुन जाए पानी के साथ साथ, मसालों के साथ साथ अच्छा फ्लेवर सा, अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, दो मिनट मैंने इसको और पका लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए और इसमें गर्म पानी डालूंगा। एक साथ सारा गर्म पानी नहीं डालना दोस्तों, किश्तों में डालेंगे तो हमारी सब्जी अच्छी पकेगी और हमें ग्रेवी को कंसिस्टेंसी को सेट करने में भी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसमें गर्म पानी डाल दिया। इसको एक दो मिनट के लिए हम और पकाएंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको थिक, गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी शानदार बेसन की ये सब्जी। इसको अगर आप बनाए के तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाली है। इसको रोटी, चपाती, चावल, पराठे किसी के साथ भी खाइए, जब मर्जी बनाइए, आपको अच्छी लगने वाली है। बेसन बहुत ही हेल्दी होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।